हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपना और अपने परिवार वालों का अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत खास है। आई नो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, फाइनली 1.5 साल बाद मेरी यूट्यूब से पहली पेमेंट आई है। और कुछ भी और बोलने से पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि ये आपके बगैर नहीं हो पाता। आई एम ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू इन माई यूट्यूब फैमिली। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग और इस यूट्यूब फैमिली को, मेरी यूट्यूब फैमिली को और बड़ा बनाते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर हाउ आई स्टार्टेड। अगर मैं ये सोच के YouTube स्टार्ट करती कि अब तो मैं पैसे कमाऊंगी, तो मैं बहुत पहले गिव अप कर चुकी होती। शायद 3-4 महीने में मैं गिव अप कर चुकी होती। मेरा मोटिव था अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और 30 मार्च 2020 से लेके आज तक मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मुझे मेरा नीश मिला एंड आई स्टार्टेड। बट हाउ आई स्टार्टेड, आप ये वॉल देख रहे हैं ना, अभी तो ये वेल पेंटेड है, पीछे बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, बट ये कमरा कुछ अलग ही दिखता था। ये कमरा कमरा नहीं था, ये स्टोर रूम जैसा था। इस रूम को रूम मैंने बनाया है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बट 30 मार्च 2020 को आपने मेरा पहला वीडियो देखा था, और मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ कि उसके पहले मैं आठ वीडियोस प्रॉपर बना के एडिट करके देख चुकी थी, फेंक चुकी थी, मतलब मैं उन्हें डिलीट कर चुकी थी। किसी वीडियो में मैट अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अचानक से मेरे लिए कैमरा फेस करना बहुत मुश्किल था। मतलब पिछले 2-3 सालों से मैंने अपने फ़ोन के बैक कैमरे से फ़ोटो नहीं खिंचवाया होगा, और अचानक से कैमरा फेस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं पूरी तरीके से हार मान चुकी थी। मुझे लगा मैं ज़्यादा सोच रही हूँ कि अब मैं यूट्यूबर बनूँगी, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना ही नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैंने साक्षी दीदी के साथ शेयर की, शी इज़ माई मेंटोर। और उन्होंने बस एक मैसेज लिखा था व्हाट्सएप पे, आई लव यू, यू कैन डू इट। पता नहीं उस मैसेज में क्या था भैया, मतलब जो नशा चढ़ा ना मुझे कि 8 वीडियोस बनाए, डिलीट कर दिए, तो क्या हुआ, आई एम रेडी फॉर द 9th वीडियो। बढ़िया से गई, नहाई बहाई, रेडी हुई, वाइट कलर का कुर्ता पहना, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, कितना चेंज आ गया है तब से अब तक में। तो साक्षी दीदी के इस मैसेज के बाद मुझे इतना मोटिवेशन मिल गया, और मैंने अपना 9th वीडियो शूट किया, और मैंने एडिट किया, और 30 मार्च 2020 को फाइनली मैंने अपना वीडियो 12 बजे पोस्ट कर दिया। ओ माय गॉड, व्हाट अ फीलिंग इट वाज। जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि सब क्या सोचेंगे, लोग जज करेंगे, कैसी दिख रही है और क्या पहना हुआ है, मतलब मेरे दिमाग में तमाम तरीके के थॉट्स आ रहे थे। आप सबके और फैमिली के बाद जिनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है वो है मेरे फ्रेंड्स। मेरे ज़्यादा दोस्त तो नहीं है, और ना ही मुझे ज़्यादा दोस्त बनाने पसंद है। बीत गया वो क्लास 11-12 वाला फेज़ की झुंड में चलेंगे, झुंड में खाएंगे, झुंड में घूमेंगे, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी अलग लाइफ हो जाती है स्कूल से निकलने के बाद। बट एनीवेज, तो मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त तो नहीं है, उंगलियों पे गिन के बताऊँ तो 4 या 5 दोस्त हैं जो तब से लेकर अब तक मुझे सपोर्ट करते आए हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई वंडरफुल फ्रेंड्स एज वेल। और ऐसे ही सब कुछ स्टार्ट हुआ। बहुत सोच समझ के मैंने नहीं किया था कि पैसे कमाऊँगी और एंड दिस विल बिकम माई अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम। बस मैंने इतना सोच के स्टार्ट किया था कि मैं अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी, सुंदर प्रेजेंटेशन लेकर आऊंगी। एज अ मीडिया स्टूडेंट मेरा मोटिव स्टार्टिंग से यही था कि प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल लगे, और मेरे कुकिंग वीडियोस में आपको ये देखने को मिलता ही है, आई होप सो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ। आज मेरी पेमेंट आ गई है तो मेरे अंदर बड़ा ज्ञान का संसार आ गया है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम अ लर्नर एंड आई विल बी अ लर्नर। हम हमेशा सीखते ही तो रहते हैं अपनी गलतियों से, अपने अचीवमेंट से।
सो आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान दो कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत है. सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी एनर्जी की, दूसरी इन्वेस्टमेंट है आपकी टाइम की जिसकी वैल्यू बहुत है, तीसरी इन्वेस्टमेंट है आपके मनी की, चौथी इन्वेस्टमेंट है आपकी कंसिस्टेंसी की, और पांचवी इन्वेस्टमेंट है पेशेंस की. बहुत ज़रूरी है ये जो पांचों चीज़ें मैंने आपसे बताई हैं, ये बहुत ज़रूरी है. सबकी जर्नी डिफरेंट होती है. हो सकता है कि किसी का 6 महीने के अंदर ही चैनल मोनिटाइज हो जाए, हो सकता है कि किसी को मुझसे ज़्यादा समय लग जाए, बट मेरे ख्याल से यहाँ समय मैटर नहीं करता है. यहाँ YouTube ना एक लर्निंग प्रोसेस है. जब आप एक क्रिएटर बन जाते हो ना, तब ये आपके लिए एक पूरा लर्निंग प्रोसेस बन जाता है. आप प्रो बन के आओगे इसमें तो शायद लगेगा कि Stop it. Get some help. अब हमारे पास कुछ बताने के लिए ही नहीं है, बट ये एक लर्निंग प्रोसेस है. मेरे लिए तो ये एक पूरा लर्निंग प्रोसेस है. आई हैव लर्न, आई एम लर्निंग, एंड आई वॉन्ट टू लर्न इवन इन द फ्यूचर. और आपका बहुत मन हो रहा होगा जानने का कि कितनी मेरी पहली पेमेंट आई. वेल, ये YouTube पॉलिसी के अगेंस्ट है कि आप अपनी अर्निंग को ऐसे रिवील नहीं कर सकते हो. काफ़ी दिमाग लगाया है मैंने और मुझे एक आइडिया आया है. OnePlus Nord 5G का जो अभी लेटेस्ट फ़ोन आया है, आप उसका हाफ प्राइस कर लो और अपने से गुणा गणित कर लो यार, और गेस कर लो कितना आया होगा, क्योंकि इसके बारे में आई कॉन्ट टॉक टू मच एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट दिस YouTube पॉलिसी. बाकी आप सब अपना प्यार बनाए रखिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू. आने वाले समय में मैं अपने और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी जर्नी से रिलेटेड फैक्ट्स और मिथ्स आपके साथ शेयर करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. बाय.